आया हूँ वृंदावन, और मैं फिलहाल खड़ा हूँ श्री गोपाल गोरी आश्रम में, जो है अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा संस्थापित आश्रम का हम विजिट करेंगे। आप भी देखना कैसी वहाँ पर सुविधा है, खाने पीने की, रहने की, कथा सुनने की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे दूँगा। तो एक बार देख लो, ये है हमारे महाराज जी का आश्रम, अंदर चलते हैं, पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, तो महाराज जी के पास चलते हैं, उनसे मिलते हैं, वो कहाँ पर हैं, किस तरह से उनका कार्य का संचालन हो रहा है, सभी की जानकारी आपको तुरंत मिलेगी। ठीक है, अंदर चलते हैं। दो पोर्शन है, एक यहाँ पर आराम के लिए जो वृद्ध जन है उनकी आराम के लिए व्यवस्था की गई है। नीचे अभी हम आए हैं रसोई से, ये रसोई ग्रह है, यानी कि प्रसाद ग्रह बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर भोजन दिया जाता है। और हम चलते हैं अंदर, यहाँ पर जूते चप्पल रखने की उत्तम व्यवस्था और सिक्योरिटी गार्ड भैया हमारे। चलिए दोस्तों, तो हम अंदर आए हैं, तो आप सब देख सकते हैं कि फुल्ली एसी है यहाँ पर, पर काउंटर लगा हुआ है, आराम से जो भक्ति वाली चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हैं। ये पूरा आश्रम यहाँ पर आराम करते लोग, और सामने कृष्ण भगवान और राधा जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। तो सब ये है हमारे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का आश्रम, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी उनकी पहल है, लोगों को इतना ख्याल रखा जा रहा है कि उन्हें बिल्कुल भी फील नहीं होगा, वो घर से दूर आए हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो अपने ही घर में निवास कर रहे हैं। हमारे देवकी नंदन महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी वृक्षारोपण करते हुए, और ये यहाँ पर हमारी श्री कृष्ण और राधा जी उनकी जो प्रतिमा लगी हुई है, यहाँ सामने भक्त बैठे होते हैं और बिल्कुल जस्ट सामने श्री कृष्ण उनको देखते रहते हैं, तो बहुत ही सुकून यहाँ पर मिलता है देख कर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी भगवत गीता, वेद पुराण, जो भी आपको चाहिए मिल जाएंगे। समर्थ लोग हैं, जो वृद्ध जन हैं या विकलांग भाई हैं, उनके लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था की है महाराज जी ने। आप सब देख सकते हैं कि लिफ्ट के द्वारा उनको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया है हर चीज़ को। जो लोग होते हैं वृंदावन में, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत से लोग उनकी जो देखभाल नहीं होती वृद्ध जनों की, तो वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन ये दर्द महाराज जी को नहीं देखा गया, उनके लिए उन्होंने व्यवस्था की है रहने की। इतनी उत्तम व्यवस्था है, आपको खुद आकर देखेंगे तो बोलेंगे वाकई में भगवान का वास है यहाँ पर। अच्छे अच्छे रूम, कूलर पंखे की, और जो बड़ी बड़ी माताएं हैं काफ़ी आराम से रहेंगे, तो दिल को बहुत सुकून मिला कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में इतनी अच्छे लोग हैं जिनकी सोच इतनी हाई लेवल की है, और जो सब में अपनी ही आत्मा देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है अनिरुद्ध आचार्य जी से, पक्का उनसे आज मिल के जाता, लेकिन अफसोस वो है नहीं है यहाँ पर। तो फिलहाल हम उनके ही आश्रम में घूम रहे हैं, और आप भी मेरे साथ आइए घूमिए, और जब भी वृंदावन आएँ तो महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनके जो प्रसाद ग्रह वहाँ से भोजन ग्रहण कीजिए, तो हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर परेशान है तो आराम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलते हैं, और दोस्तों देखते हैं, भी यहाँ पर ऐसे नहीं रहेगा जैसे कोई बेचारा है वो, महाराज जी ने उनके लिए जो माताएँ हमारी बड़ी बूढ़ी हैं जो असमर्थ हैं, उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है। आप सब देख सकते हैं ये रूम, और ये पूरी तरह से सजाए हुए, और कोई भी परेशानी नहीं, पूरी सुविधा का यहाँ पर ध्यान रखा हुआ है, आराम से एसी वेसी और पंखे वंखे लगाए हुए हैं, और इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पर महाराज जी ने दी है। मैं खड़ा हूँ श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के वृद्धाश्रम में, और यहाँ पर उनके द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है, यानी कि पर डे लोगों कितने भी लोग आए वृंदावन में, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और रहने की उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। 100 से भी ऊपर लोग यहाँ पर भोजन कर चुके हैं, तो अच्छी पहल है उनके द्वारा, और मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। और मेरे पीछे आप सब देख सकते हैं, ये रसोई है जहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और यहाँ सबसे अलग बात मुझे लगी, बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, जो उनकी संतानें उनको छोड़ देती हैं, लेकिन महाराज जी उनको अपना प्रेम यहाँ पर देते हैं। तो महाराज जी से हम मिलते भी, लेकिन वो हैदराबाद गए हुए हैं कथा के लिए, फिलहाल वो यहाँ पर है नहीं है। तो उनकी ये रसोई जो भूखे और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी पूर्ति करती है, तो अन्नपूर्णा रसोई से बोल सकते हैं एक तरह से, कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर, भोजन आपको मिलेगा, रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, पांडाल है, सब कुछ है। वृंदावन में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं है, महाराज जी का साथ आपके साथ है, और थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से उन्होंने व्यवस्था की है भक्तों के लिए। कुछ इस तरह से महाराज जी का आश्रम, ये गोपाल रसोई है, और यहाँ पर
ये भोजन की जो प्लेट खाने के उपरांत यहाँ पर रखी जाती है, और जो खाना बच जाता है उसको जानवरों के लिए दे दिया जाता है। कोई भी एक भी अन्न का दाना वेस्ट नहीं जाता है यहाँ पर। और यहाँ अंदर चलते हैं, यहाँ भी बैठने की व्यवस्था, बैठ कर भोजन कर सकते हैं आप। ये सब देखिए अंदर से, और यहाँ पर भी बैठ कर भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको लगेगा यहाँ पर, एक बार ज़रूर आइए और महाराज जी का प्रेम प्राप्त कीजिए। ये गोपाल रसोई अनुरुद्धाचार्य जी के द्वारा उनका एक तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ से उनको भोजन दिया जाता है, भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। आप सब देख सकते हैं दोस्तों, कितने सारे लोग यहाँ पर महाराज जी का सान्निध्य प्राप्त कर रहे हैं, और अच्छी सेवा दी जा रही है। बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, और भोजन में कोई भी कमी नहीं है। बहुत ही गुणवत्तापूर्ण भोजन लोगों को दिया जा रहा है। और ये आश्रम आपको वृंदावन परिक्रमा मार्ग में मिल जाएगा, और यहाँ पर आप रह भी सकते हैं और महाराज जी के प्रवचन भी सुन सकते हैं और भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम व्यवस्था यहाँ पर है हर चीज़ की। सोशल मीडिया पर आप सभी ने महाराज जी को कभी ना कभी देखा होगा, उनके उपदेश सुने होंगे, तो उन्हीं के कथा पांडाल में हम आए हुए हैं। आप सब देख सकते हैं, फिलहाल महाराज जी हैदराबाद गए हुए हैं, तो यहाँ पर इतना सुकून है। गर्मी में भी आपको ठंडक का एहसास होगा, ऊपर लग रहे हैं बड़े बड़े पंखे, कूलर, सब कुछ यहाँ पर सुविधा है। बाजू में आपको दिखाया था खाने पीने की, रहने की, सभी की सुविधा का यहाँ पर ख्याल रखा हुआ है। और ये कथा पांडाल है अनिरुद्ध आचार्य जी का, तो आप एक बार देखिए मेरे साथ लोग आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। कोई गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और ये सामने आपको कथा पांडाल दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, ये हमारे महाराज जी की लाइनें हैं, तो यहाँ से कथाएं होती हैं और लोग उनके प्रवचनों को यहीं से सुनते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कथा पांडाल हो रही, बिल्कुल आप यहाँ पर अगर रद्दी भर कमी महसूस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, यानी कि एक कूलर, एसी और साउंड, और बरसात से बचने के लिए वाटरप्रूफ टेंट, हर चीज़ का यहाँ पर बहुत ही बारीकी से ख्याल रखा हुआ है। तो ये अनिरुद्ध आचार्य जी का आश्रम, ये आपको वृंदावन में ही दिख जाएगा, श्री गौरी गोपाल आश्रम। तो यहाँ आइए आप एक बार, ज़रूर जीवन में वृंदावन आएँ तो महाराज जी की कथा में ज़रूर आएँ। तो उनके जो कथाओं का वर्णन और उनके जो विचारधाराएँ हैं यहाँ पर बैनरों पर लगी हुई है, आप सब देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, और ये वृंदावन में बहुत ही अच्छा माहौल है। दूर दूर से लोग बड़े सुकून के साथ अपनी आम दिनचर्या की बातें कर रहे हैं, और हमारे धर्म की बातें ही हो रही हैं यहाँ पर। तो महाराज जी का हम शुक्रिया करते हैं, और उनके सानिध्य में हमें एक दिन रहने को मिला, उनके द्वारा दिया गया भोजन हमने खाया और आराम भी की। तो फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से। ये था हमारा श्री गोपाल गौरी आश्रम, श्री आचार्य जी के द्वारा संस्थापित। तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं बस आइए और यहाँ पर आश्रम में महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए, उनके प्रवचनों को सुनिए, फॉलो कीजिए। तो फिलहाल हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ठीक है दोस्तों।